बलरामपुर नगर पालिका में ताला लगाकर धरने पर बैठे सभासद। बलरामपुर नगर पालिका परिषद के सभासद पति शफीक अहमद हुए जानलेवा हमले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षुब्ध होकर सभासदों ने विरोध स्वरूप पालिका के समस्त कार्यों को बंद कर धरने पर बैठे और सभासद एकता जिंदाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पालिका में आयोजित सभासदों के धरना प्रदर्शन में पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2019 को शफीक अहमद पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, परंतु नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में असमर्थ रही, जिसके कारण अभियुक्तों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिनांक 15 जनवरी को पूर्व के मुकदमे में से वांछित अभियुक्त तनवीर अपने एक साथी के साथ शफीक अहमद की हत्या के लिए पीछा करते हुए उनके आवास मोहल्ला नई बस्ती पहुँच गया, शफीक अहमद पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, हमलावरों ने एक युवक पर भी जानलेवा हमला किया और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। लगातार अपने सहयोगी पर हो रहे जानलेवा हमले से आक्रोशित सभासदों ने कोतवाली नगर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कर 2 दिन के भीतर मुलजिम को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, परंतु पुलिस एक बार फिर हमलावरों के सामने विफल रही और खुलेआम घूम रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि शबान अली ने कहा कि 18 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पालिका में